अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और मारो की हर बहना पहनती है, दस दस हजार की साड़ियां पहनती है, ये सोना चांदी जेवर गहना ये जो आभूषण पहनती है। उस समय की बात की जाए जब हमारा देश गुलाम था, तो हम लोग सोने चांदी को पहनने की बात छोड़िए, ये हम आपको देखने को भी नहीं मिलता था। कहते नौकर रखा जाता है, उसी प्रकार से रखा जाता था। ये भी छोड़िए, जब भी हमारे समाज के किसी भी
नई नवीनी दुल्हन को अपने घर ले जाकर के उसके साथ व्यतीत करते थे उसको पवित्र बनाने के लिए। क्या भैया आजकल अगर हमारे समाज में किसी भी बहन का विवाह हो जाए या मान लिया किसी भी भाई की शादी हो, क्या भैया हम अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर सकते? क्या हम लोग इस चीज को सहन कर सकते? हर बात सहन कर सकते पर इस चीज को हम लोग सहन? ये था वो एक वो गुलामी की जंजीरें। उस नई नवेली दुल्हन के साथ अवैध संबंध बनाए करते थे। यदि वो लोग इज्जत पर खिलवाड़ करते तो अपनी आबारू को लुटवाती रहती। लेकिन कहते मेरे भाइयों, जब से ये संविधान हमारे बीच में आया तब से हम लोग बड़े सम्मान की जिंदगी जीने लगे। कहते जो बोली दिया है, जो ही दिया है वो हमें भी जीने, हमें भी जीने
दिया जाता था। कहना ये था मेरे भाइयों कि अगर हम लोगों के सामने पहुंच जाते थे तो वो लोग अपवित्र हो जाते थे, अगर हम लोगों की परछाई कहीं उन लोगों पर पड़ जाती तो वो लोग अपवित्र हो जाते थे। क्या भैया मैं पूछना चाहूंगी, अगर हम आपकी परछाई उन लोगों पर पड़ती तो वो अपवित्र हो जाते क्या? कभी उन लोगों की परछाई हम लोगों पर नहीं पड़ी होगी, अवश्य पड़ी होगी। अगर वो अपवित्र हो सकते थे क्या हम लोग पवित्र नहीं हो सकते? क्या ऐसा कहीं सुना? यही तो बेटा मेरा, क्योंकि छाया और परछाया पड़ने से कोई पवित्र और पवित्र नहीं होता। व्यक्ति पवित्र और अपवित्र होता है तो अच्छे और बुरे कर्म से। मंदिर में हम जाते थे हमें घुस देना दिया जाता था, पर आज सुनता कहाँ की देखल, सुनता कहाँ की देखल, माने दे दिया है सम, माने दे दिया है वो, तू सुनिएगा। जगह गांव गांव क्या खुलवा दिए? विद्यालय। क्यों? क्योंकि ना हम लोग पढ़ सकते थे ना ऐसे उच्च स्थानों पर जा सकते थे। गांव गांव विद्यालय इसलिए खुलवाए, अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएगा तो शिक्षित बनेगा। आता हो आपने देखा हो सुबह घंटियां दो बजती है, कितनी? दो, 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 एक बस्ती है विद्यालय की और दूसरी बस्ती कहाँ की भैया? जोर से बोलिए ये बात। अब हम लोग अपने बच्चों को कौन सी घंटी का इंतजार कराना है? विद्यालय वाली या विद्यालय वाली? क्यों? अगर बच्चा विद्यालय में जाएगा तो अधिकारी बनेगा, और अगर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा उसे क्या कहते हैं? निर्णय आपको लेना है। विद्यालय में जाएगा तो अधिकारी बनेगा और वहां जाएगा तो भिखारी बनेगा। अब निर्णय लेना है कि बच्चे को अधिकारी बनाना भिखारी बनाना है। क्या बनाना भैया? अधिकारी बनाना है ना, और ये भी बच्चे को अधिकारी बनाना है तो वहां भेजना। शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कहते कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। क्या करें भैया, आजकल अपने समाज के ही लोग दहाड़ने वालों के मुंह बंद कर लेते। कोई बात नहीं, राहु केतु के आने से कुछ
कुछ देर के लिए वो सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो कहना चाहूंगी महाराज, आपका ये बेटा जो सभी सिद्धियों को सिद्ध करने वाला ये आगे चल करके आने वाले समय में बहुत बड़ा राजाओं का महाराजा बनेगा, और यदि राजाओं का महाराजा नहीं बना तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो घर परिवार राज्य को छोड़ करके चला जाएगा, वैरागी होगा। यदि राजा नहीं बना तो ये वैरागी हो जाएगा, आगे चल करके सब वैरागी होगा तो ये बुद्ध बनेगा, लोग उसकी पूजा करेंगे। महाराज सुनकर के एकदम से अचंभित हो गए, कहने लगे ऐसे मुनि आप क्या कह रहे हैं, क्या मेरा बेटा घर छोड़ के चला जाएगा।
महाराज भी रोने लगे। असित मुनि ने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं रोया हूँ, आपका बेटा घर छोड़ के चला जाएगा। अरे अगर घर छोड़ के भी जाएगा तो सारा संसार इसकी पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए तो मैं हंसा हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ, पर रोने का कारण जानिए, रोया इसलिए आपका बेटा यदि ये राजाओं का महाराजा बना तो आप देख रहे अभी केवल 5 दिन का हुआ, मुझ पर बुढ़ापा चुका है। जब ये राजाओं का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो मैं इसे सम्राट बनते देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ, उस समय मैं दुनिया से ही चला जाऊंगा। और यदि वैरागी सन्यासी भी हुआ तो मैं इसे अपनी आंखों से बुद्ध बनते देख नहीं पाऊंगा, इसलिए रोया हुआ। अब तो असित मुनि इतना कहने समझाने के बाद वहां से चल दिए। महाराज बड़े दुखी है, सोच रही है कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया तो मुझे इस महल में रह करके क्या करना होगा। चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अरे जिस घर का अगर दीपक ही बुझ जाएगा तो वहां रह करके हमें भी क्या करना होगा। लेकिन मेरे भैया याद रखना, जब ये खबर मैया प्रजापति को प्राप्त हुई जिसने बरसों के बाद इस पुत्र को पाया था, छठ का दिन हुआ, मैया ये खबर सुन करके इतनी चिंतित हो जाती, इतनी चिंतित हो जाती, बीमार पड़ जाती। और कहते भी माताओं कि चिंता जो होती है वो चिता से भी बढ़के होती है। चिता जो है एक मुर्दे को जलाती है, और चिंता जीते जी मानव को एक बार नहीं कई बार जलाने का काम करती है। व्यक्ति कितना हष्ट पुष्ट बलधारी बलशाली क्यों ना हो, अगर जिसके अंदर टेंशन घुस जाती भैया, वो भी एक ना एक दिन सूखे ठठेरा, जैसे गन्ना सूख जाता गन्ना, कहते कि वो भी एक ना एक दिन सूखे ठठेरा हो जाता। धीरे धीरे जैसे ही 7वां दिन होता है, महाराज ने जहां भी डॉक्टर वैद्यकीम सुने, सभी के पास जाते हैं,
लेकिन रानी महामाया को कहीं आराम नहीं मिलता। उससे यह प्रतीत होने लगा कि मुझे लग रहा था मैं और नहीं जी सकती हूँ। छोटी बहन प्रजापति को बुलाया। प्रजापति से कहा, बहन मैं इस पुत्र सिद्धार्थ को तुम्हारे हवाले करती हूँ, और यदि मुझे कुछ हो जाए तो पुत्र सिद्धार्थ को यह महसूस मत होने देना कि जन्म देने वाली माँ कौन है और पालने पोसने वाली माँ कौन है। मैया प्रजापति कहने लगी, दीदी आप ये क्या कहती हो? दीदी क्या आपने मुझे सिले महलों में बुलाया था बहन? माया कहती, नहीं प्रजापति शांत हो जाओ, आज मैं इस पुत्र को तुम्हारे हवाले करती हूँ। महाराज को भी बुलवा लिया। महाराज से कहा, प्रीतम यदि मुझे कुछ हो जाए तो इस पुत्र सिद्धार्थ को कभी कष्ट मत देना, कभी संकट मत देना। इतना कहते ही कहते वो मैया अपने सासों को तस देती है। कहती, भैया कि तब ही अचानक पलट प्रसंग और सबर सरंग कि तब ही अचानक पलट प्रसंग और सबर सरंग भयउ बिजभंग। भयउ जन्म भयउ दिन साता और कल्पित काल भई तब माता। पुत्र सिद्धार्थ को 7 दिन का छोड़ के मैया अपने प्राणों को तस देती है। अब तो महाराज भी रो रहे, मैया प्रजापति भी रो रही। प्रजापति कहने लगी, दीदी क्या आपने मुझे इसलिए महलों के बीच में बुलाया था? दीदी एक बार अपनी आंखें खोल दो बहन, क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों नकर के लोग महाराज को समझा रहे? महाराज ये रोना बिलखना बंद करो, अरे जो आया है वो जाएगा। गरीब हो या अमीर हो, भिखारी हो अधिकारी हो, जिसने भी जन्म लिया है कहते कि जन्म है तो मृत्यु तो सत्य है। महाराज कहने लगे, मुझे लग रहा ऐसे मैं धैर्य को धारण नहीं कर सकता हूँ। और ये 10 रुपये पूजा करता हूँ इसी गांव में तोली से। और वह प्रजापति कहलाती थी और सिद्धार्थ गौतम का भैया और वह पालन पोषण करती थी। कहते कि देख रेख करती रानी वह प्रजापति कहलाती थी, सिद्धार्थ गौतम का भैया वह पालन पोषण।
तुम तो कुछ और समय भी ता भैया कि फिर दादी उनके दिखने लागे तो कहते कि देख रेख करती रानी वह प्रजापति कहलाती थी सिद्धार्थ गौतम का भैया वह पालन पोषण करती थी। समय व्यतीत हो जाने पर घुटनों के बल चलने लगे कुछ और समय बीता भैया तो दांत उनके दिखने पुत्र सिद्धार्थ जब धीरे धीरे 5 वर्ष का हो जाता महाराज ने विचार किया अब पुत्र सिद्धार्थ को शिक्षा दीक्षा का दान दिलाया जाए तो ठीक रहेगा। सभ्य मित्र नाम को गुरु को महलों के बीच में बुलाया जाता है और सभ्य मित्र सभी शिक्षाओं का अध्ययन कराते हैं ज्ञान कराते हैं और भैया बात आती है शिक्षा की ज्ञान की तो मैं बता देना चाहूंगी। कहते कि शिक्षा वो चीज है कि जहां शिक्षा है वहां सब कुछ और जहां शिक्षा नहीं वहां कुछ नहीं। आपने देखा हो 1 जनवरी नया साल ही नहीं नया वर्ष ही नहीं याद कीजिए उस भीमा कोरे गांव को जहां 500 महान सैनिकों ने मिलकर के 500 महान सैनिकों ने मिलकर के 28,000 पुरोहितों को खत्म करने का काम किया था। आज भी उस भीमा कोरे गांव में 100 स्तंभ बना हुआ है। कहां हम लोग 500 और कहां वो लोग 28,000। भला इससे बड़ी जीत हम लोग और कहां कर सकते हैं। बहुत बड़ी जीत जिसे हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और इस वर्ष तो लॉकडाउन के चक्कर में लोगों ने यहाँ मेला भी नहीं लगने दिया बहुत कम भीड़ हुई थी। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख भी सकते हैं आजकल फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर वो चीज है हर चीज देखिए। तो 1 जनवरी एक शौर्य दिवस है हम आपके लिए बहुत बड़ा पावन पर्व माना जाता है। तो आज 3 जनवरी को मां सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। उस समय बाल विवाह की प्रथा चल रही थी तो सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबारा फुले के साथ में कर दिया गया था। माताओं ध्यान दें शिक्षा की देवी का कितना बड़ा योगदान रहा हम आपके जीवन में। कभी कभी लोग कहते कि जो भी यहाँ मुस्लिम समाज है अरे कुछ दिनों पहले लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के चक्कर में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था कि यहाँ जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नहीं यहाँ से। पर याद रखना बहुजन समाज के लोगों के जीवन में मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा साथ रहा। याद कीजिए मुस्लिम समाज की प्रथम महिला अध्यापिका जिसे बहन शेख फातिमा जी के नाम से जाना जाता जिसका एक भाई जिसे शेख उस्मान के नाम से जाना गया। उस समय जब ज्योतिबाना फूले ने देखा कि सावित्री पढ़ी लिखी नहीं है तो घर में ही रह करके शिक्षा दीक्षा का दान दिया। जब माँ सावित्री पढ़ ले गई तो उन्होंने देखा कि हमारी समाज की बहनों बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। तो पिता ज्योतिबाराव फुले ने माँ सावित्रीबाई फुले का साथ सहयोग दिया यानी वो दोनों पति पत्नी समाज की बहनों बेटियों को पढ़ाने के लिए उस समय ये गांव-गांव विद्यालय नहीं थे। उस समय मां सावित्रीबाई फुले ने अपने
ज्योतिबा फुले के साथ सहयोग से पाठशालाओं को खोलना शुरू किया। और जिस जगह जो पाठशाला खोला था उनके पास इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग उस समय बड़े गुलामी में झगड़े हुए थे। जब चाहो जिस काम को चाहो उस कार्य को कर नहीं सकते थे, तो उस समय भाई उस्मान ने ही वो जगह दी थी। जब माँ सावित्रीबाई फुले हम आपको पढ़ाने लिखाने जाती थी, तो जो विरोधी समाज के लोग थे, कुछ महिलाएं थी, कोई पत्थर फेंक के मारती थी, कोई कंकड़ फेंक के मारती थी, कोई गोबर फेंक के मारती थी, कोई कीचड़ फेंक के मारती थी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अपमान करेंगे तो ये आना जाना बंद कर देगी, और जब ये आना जाना बंद कर देगी तो ये समाज की महिलाएं पढ़ लिख, ये समाज की बहनें और बेटियां पढ़ लिख नहीं पाएंगी। पर याद रखना बहनों, मैया सावित्री ने आना जाना बंद नहीं किया। एक साड़ी अपने तन से बांध के जाती थी और दूसरी साड़ी अपने साथ में रख के ले जाती थी। जब उधर से आती थी तो जो साड़ी गंदी हो जाती थी, जो तार के रख देती थी उसी गंदी साड़ी को फिर से पहन लिया करती थी, स्वच्छ साड़ी को अगले दिन के लिए उतार के रख लेती थी। जब ये पिता गोविंद राव फुले को पता चला, उन्होंने देखा अभी ये समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे भी भगा देंगे, मेरा भी अपमान करेंगे, तो पिता ज्योतिबा राव फुले ने उस समय भी बड़े अपना अपमानों को सहन किया। पिता गोविंद राव फुले ने ज्योतिबा फुले और पुत्र वधू सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया कि अगर तुम दोनों पढ़ाने के लिए वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है। पर याद रखना मेरे भाइयों, वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं पर समाज की बहनों बेटियों को पढ़ाना लिखाना बंद नहीं करते। पर आजकल अगर किसी बहन से पूछो कि शिक्षा की देवी कौन है, तो याद करिए, मत भूलिए इस चीज को। यदि हम आपको पढ़ाने लिखाने का काम किया तो वो है शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई। अरे वो सावित्री नहीं, कौन? अरे वो सबसे भान वाली सावित्री नहीं भैया, यहाँ है ज्योतिबा फूले वाली सावित्री। आइए मैं कहना चाहूंगी इसलिए माताओं याद रख, भूल भूल सब कोई कहे, रिकॉर्ड कर लो कि भूल भूल सब कोई कहे और भूल न चीने कोई, गुरु जागो बहुजन
ज्योति बापुली की है निशानी, ज्योति बापुली की है निशानी, सबको जगाया फूल कहानी, सबको जगाया फूल कहानी, सबको जगाया फूल कहानी, सबको भगवान बुद्ध की दिखा रहे हो ना, ये भोले बनने से काम नहीं चलेगा। सुनो सुनो, आर्य भोले पन शासन नहीं चलता, और ये शक्ति तुम्हें बतलाते हैं, और जो रक्त देख कपे जाते और वो युद्ध भूमि नहीं जाते कहते कि भोले अपने शासन नहीं चलता, ये सत्य तुम्हें बतलाते हैं, रक्त देख कब जाते जो वो युद्ध भूमि नहीं। इसलिए भैया मेरा श्रृंगार मुझे वापस दे दो। सिद्धार्थ गौतम बोले, भैया आप कुछ भी कहिए, प्रदीप भैया आप कुछ भी कहिए, हमारा तुम्हारा झगड़ा क्यों ना हो जाए, आज से हमारी तुम्हारी बने या ना बने, परमी पंक्षी देने वाला नहीं हूं, क्योंकि सिद्धार्थ को पता था अगर मैं इसे दे दूंगा तो कहीं ये इसे काट के बना के खा ना जाए। देवदत्त ने विचार किया, लग रहा है ऐसे नहीं देगा। बोले भैया चलिए महाराज के राज दरबार में चलते हैं। बोले ठीक है। कहते कि जिसे कर नहीं उसे डर नहीं, डर उसे होता है जिसके कर्मों में खोट होता। देवदत्त की बात सुनिए, कहते ना एक तो चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जाके महाराज के राज दरबार में पहुंचे, बताओ ध्यान देना उस पंक्षी को, और सिद्धार्थ देवदत्त को देख करके महाराज ने पुत्र सिद्धार्थ के पुत्र सिद्धार्थ से कहा, बेटा हाँ पिताजी, सिद्धार्थ हाँ पिताजी, कि
किस लिए आए हो? क्या बात हुई? पिताजी पहले हमसे ना पूछ करके भैया देवदत्त से पूछ लीजिए। जैसे ही इतना कहा कि मुझसे नहीं, पहले भैया देवदत्त से पूछ लिए। महाराज बोल भी नहीं पाए, वो घमंडी खड़ा हो गया, एकदम से कहने लगा, सुनिए महाराज क्या बोला। महाराज बोले बताइए क्या करना चाहते हो, कहिए। बोले सुनिए महाराज, मैंने जब इस पंछी का शिकार किया, भैया देवदत्त ने क्या किया सुनिए। जैसे ही इतना कहा कि मैंने इस पंछी का शिकार किया, भैया सिद्धार्थ ने उठा के अपनी गोद में रख लिया। मैंने मांगा तो देने को तैयार नहीं है। महाराज कहने लगे पुत्र गौतम, अगर देवदत्त ने इसका शिकार किया तो शिकार शिकारी को ही दे दो, क्यों इसके पीछे पड़े हो? अरे तुम तो एक राजा के बेटा हो, याद रखना भैया। महाराज ने तुरंत निर्णय कर दिया, अगर आज भी कहीं झगड़ा हो जाए, रार ज्यादा बढ़ जाए, तो पंचायत करानी पड़ती है। और जब पंचायत होती, जब पंच आते हैं, पंच निर्णय कब करेंगे? जब जब दोनों पक्ष की बात को नहीं सुन लेंगे। और जो पंच यदि एक पक्ष की बात को सुन के निर्णय कर देगा तो क्या वो भैया सही हो सकता? नहीं हो सकता ना। और जो एक पक्ष की बात सुन करके निर्णय करता है तो भंते जी उसकी कहीं ना कहीं रास्ता जरूर घेरी जाती है, क्योंकि आप सबसे बोल नहीं पाते तो पंचायत में क्यों जाते हैं? महाराज कहने लगे पुत्र गौतम, तो कहिए आप ही कहिए क्या कहना चाहते हो। और सत्य तो यही है, जब जब दोनों पक्ष की बात को ना सुना जाए तब तक निर्णय नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, आप एक तरफ से राज्य के राजा भी हैं और आप दूसरी तरफ से हमारे पिताजी भी हैं, इसलिए सुनिए महाराज। मेहमानी खाना है, हमारे
सुनिए। मैंने झाल पोछ पुचकार के इसे गोद में रखा महाराज। अरे कहां एक राजा का बेटा हो करके एक पंछी के पीछे पड़े हो। हक तो करता है कि एक पिता अपने पुत्र को समझाए, पर यहां एक पुत्र अपने पिता को समझाता है। पुत्र हो तो ऐसा कहने लगा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज बोले, कहिए क्या कहना चाहते हो। बोले, यदि आपके राज्य में मुझे कोई मारे, धमकाए, ललकारे तो आप क्या करेंगे। महाराज एकदम से क्रोध में आगे कहने लगे, है किसी में ताकत जो हमारे पुत्रों के कंगली भी छुआ के देखे। सिद्धार्थ कहने लगे, पिताजी क्यों आपको क्रोध क्यों आया। अभी तो मुझे किसी ने मारा भी नहीं है, किसी ने पीटा भी नहीं है, एकदम से गर्मी आ गई। क्यों, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ इसीलिए ना। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले महाराज अभी मुझे किसी ने मारा नहीं, धमकाया नहीं, पीटा नहीं, तो आपको क्रोध आ गया। और सुनिए पिताजी, जिस पंछी की आप बात करते भैया देवदत्त को दे दो, क्या उसके माता पिता नहीं है, उसके भी माता पिता होंगे। जब उसके माता पिता को पता चलेगा उसके माता पिता का क्या हाल होगा। सुनिए, उसके भी माती पिता ही उसी को और पाल पोस के किया बड़ा। बोले क्या हंस के माता पिता नहीं, क्या आसमान से कूद पड़ा, उसके भी माता पिता ने उसको पाल पोस के किया बड़ा। अब देखिए महाराज बात बढ़ाने में लगे, इसलिए जब मैं इस सवाल पर सवाल करूंगा तो ये जवाब नहीं दे पाएगा और वही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने पुत्र पिता से भी आगे महाराज ने कहा, एक पक्षी के कष्ट की तुलना मानव के कष्ट से कर रहे हो। सिद्धार्थ गौतम बोले, पिताजी कष्ट हमें जो होता है उसी तरह सब जीवों को, सब जीव एक से ही होते, वह चींटी और गजराजों को, चाहे वो रेंगने वाली छोटी सी चींटी क्यों ना हो और चाहे वो विशाल शरीर वाला हाथी क्यों ना हो। इतना बड़ा गुब्बारा वाले तक जीव जंतु पशु पक्षी आपके राज में जितने भी हैं वो सभी आपकी प्रजा के समान है। आपको सबकी रक्षा करनी होगी। प्रजा आपकी मानव है, प्रजा सभी पशु पक्षी भी, और न्याय करो सबके हित में, यह बात धर्म की। मैं समझ गया हूँ महाराज, रह रहे रोज सताए जाते हैं और आपकी सज्जन के कारण
राजन वो न्यायालय में नहीं, मैं समझ गया हूँ आप प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार करते थे। अब तो महाराज को जवाब नहीं आता, महाराज ने विचार किया क्या करना चाहिए, कार्य ऐसा होना चाहिए कि सिद्धार्थ और देवदत्त भी नाराज ना होने पाए और इस पंछी का भी निर्णय हो जाए। एक पंथ दो काश, महाराज ने विचार किया देवदत्त को देता तो सिद्धार्थ नाराज हो जाएगा, सिद्धार्थ को देता हूं तो देवदत्त नाराज हो जाएगा। तो महाराज ने उस हंस को राज दरबार के बीचों बीच छुड़वा दिया, जैसे गली बनी ना, इसी बीच में छुड़वा दिया। एक तरफ देवदत्त, दूसरी तरफ भैया सिद्धार्थ को बिठा दिया और कह दिया ये पंछी जिसकी ओर चला जाएगा उसी का हो जाएगा। जब उस पंछी ने देखा देवदत्त की तरफ तो विचार किया, देखिए एक पंछी बोल नहीं सकता, सारे संकेत समझ रहा था। देवदत्त की तरफ देखा तो विचार किया ये वही दुष्ट है जिसने मेरे पर वार किया, मुझे कष्ट दिया। जब सिद्धार्थ की ओर देखा तो विचार किया ये वही व्यक्ति है कौन जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की। आज भी आपने देखा हो एक छोटा बच्चा हो, अगर आप लोग उसे मारे पीटे ललकारे धमकाए और भैया लोग अगर उस बच्चे को लाड प्यार दुलार दे, बच्चा कहाँ जाएगा, इधर है इधर इधर जाएगा ना। और अगर ये लोग मारे पीटे धमकाए, थोड़ा तेज बताना सुन नहीं पा रहे हैं, अगर ये लोग मारे पीटे धमकाए आप लोग उस बच्चे को लाड प्यार दुलार दे तो कहाँ जाएगा। अब आपकी बात है ना, इसलिए इधर आएगा ना, मतलब बच्चे को जो लाड प्यार दुलार देगा बच्चा उसी के पास जाएगा। तो है पंछी देवदत्त की ओर ना जाकर के सिद्धार्थ गौतम की ओर चला जाता। सिद्धार्थ ने जैसे ही पंछी को आते हुए देखा एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं और उस पंछी को उठा करके सीने से लगा लेते चल दिए। देवदत्त कहने लगा महाराज आपने अच्छा नहीं किया, अरे एक पिता होने के नाते वो पंछी अपने पुत्र को दे दिया, जबकि भैया उस पंछी का निर्णय महाराज ने नहीं किया था बल्कि उस पंछी का निर्णय स्वयं पंछी पर ही छोड़ दिया था। यही से सिद्धार्थ और देवदत्त में घृणा शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते बताओ कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता, गाली देने वाले से सहन करने वाला क्यों? अब इसका मतलब ये नहीं भैया कि सामने वाला गाली बकता ही रहे और आप सुनते ही रहे। बुद्ध ने कहा कि अगर पाप करना गलत है तो पाप सहना भी गलत है। अब देखिए सहने वाला बड़ा क्यों है, क्योंकि सामने वाला यदि गाली बकेगा आप सब लौट करके जवाब नहीं देंगे, आज बकेगा कल बकेगा, जब आप लौट के जवाब नहीं देंगे तो वो एक ना एक दिन अपने आप खुद ही शांत हो जाएगा। वो अपने आप में खुद सोचेगा, अगर बोल नहीं सकता कह नहीं सकता तो खुद सोचेगा मैं बराबर गाली बक रहा हूँ पर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब गलत वो नहीं गलत मैं खुद हूँ। तो हम लोगों ने श्रवण किया कथा झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, प्यार सच्चा है भीम जी का पाले। वही तरह लोग कहते नसीबा तेरा, पर मैं कहना चाहूंगी कि सरड़ी भीम की जो आएगा समझ समझ आएगा, सरड़ी भीम की जो आएगा
कहे भैया का इंतजार कर रहे हैं। कहते सरड़ी भी मिटी जाएगा, समझ संविधान पाएगा, सरड़ी भी मिटी जाएगा, समझ संविधान पाएगा, सरड़ी भी मिटी जाएगा, समझ संविधान पाएगा, सरड़ी भी मिटी जाएगा, समझ संविधान पाएगा। ए मुनि समृति को आग जलाया, इस संविधान का पाठ पढ़ाया, और शब्द को जोड़ने से पहले शब्द की जानकारी होनी चाहिए। मंडी स्मृति को कब जलाया गया भैया? बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी जड़ को मजबूत करना है, जिसे हम लोग कहते हैं 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के दिन ही साहब ने संविधान के पेजों को हम आप तक पहुंचाने का काम किया, और उस मनु के विधान के लिखे हुए मन स्मृति के पेजों को जलाने का, सरड़ भीम की जो आएगा, समझ संविधान पाए।
से बोले भगवान बुद्ध की दया, बोलिए महामाया मैया की दया, सिद्धोधन महाराज की दया, प्रजापति